तो सुबह हो गई है और सुबह के 4 बज गए हैं और मैं जग गई हूँ। लेट मी ऑन द लाइट ऑफ द रूम। और अभी छत पे चलते हैं। पहले तो यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ हो रहा है और अब मैं नीचे आ गई और पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म करके लेके रूम में चलते हैं। मॉर्निंग, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डे विथ इन्वायरमेंट फॉर। सो टुडेज फर्स्ट लॉन्ग गोना मीन इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसको करेंगे और उसके बाद फिर हम और अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे, बट सबसे पहला स्लॉट इन्वायरमेंट का है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ इंडियाज वेटलैंड, उसके बाद है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, रामसर साइट्स कितने हैं, वो सारे रिकॉर्ड और सब कुछ पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। उसके बाद है एस्टुअरी इकोसिस्टम। तो एस्टुअरी मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। वो ऐसा जगह होती है जहाँ पर रिवर और सीज मिल आपस में मिलते हैं। मेरा आज रियल में उठने का मन नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक हो रहा है और मैं 12 बजे ही सो गई थी, तो अभी उठने में आज 4 भी बज गए। लेकिन प्रीलिम्स बहुत पास में है और मुझे भी पूरा 3 सब्जेक्ट करना है, तो उठना था क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम बचा है। तो इस वजह से अब उठ गए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मेरा फेस वगैरह सब आइज़ वगैरह स्वेल की हुई है, लेकिन अब लेट्स स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को बता रही थी एस्टुअरीज़। एस्टुअरीज़ वो वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पे मतलब फ्रेश वाटर मिलते हैं सॉल्ट वाटर से, लाइक जहाँ पे रिवर मिलती है सी से रिवर। ओके, नाउ द टाइमिंग इज 6:06 एंड आई एम डूइंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला चैप्टर। तो पहले अब नहीं हो सकता, अब जाना पड़ेगा और चाय लेके आना पड़ेगा। और मम्मी मेरी जग गई है, मैं भी चाय बना रही है, तो आई एम गोइंग एंड देखती हूँ चाय वाले के आते हो कुछ खाने पीने का, बिकॉज अब मेरे को भूख लगी है। सो फाइनली उजाला हो गया है। और ये रही मेरी आज की सुबह की पहली चाय। और मैं कल मार्केट गई थी तो वहाँ से चकली ले आई थी, मुझे चकली खाना बहुत अच्छा लगता है, तो चाय और चकली। और मैं इसको खाते और चाय पीते पीते मैंग्रोव्स वाला पूरा टॉपिक किया और उसके बाद कोरल रीफ्स वाला पूरा टॉपिक किया। एंड तो मैं अभी EIA वाला चैप्टर कर रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था बिकॉज मुझे सेवियर पेन हो रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर के का ब्रेक लूँगी। 1 hour later। तो अभी 9:36 हो गए हैं क्योंकि मैं लेट गई थी तो मुझे नींद आ गई थी और मेरी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई, तो मुझे जग तो मुझे मेरी आँख खुली तब मैं अभी उठी। लिटरली माई हेड इज लाइक बहुत तेज इसमें एक हो रहा था। मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट आई थॉट कि ऐसा तो सही नहीं होगा, फिर उठते हैं। चलो पेन किलर वगैरह खाऊंगी, बाम वगैरह लगा के तब बैठ के पढ़ूंगी।
तो मैं अभी न्यूज़पेपर कर रही थी और मैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में पहुंची थी, तो उसमें एक आर्टिकल आया है लाइट पॉल्यूशन के बारे में, मतलब है आर्टिकल का नाम है द डार्क स्काई इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड टू मच लाइट इज़ पॉल्यूटिंग इट। मतलब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरा पूरा सिस्टम हिल गया, लाइक ऐसा भी हो सकता है। मतलब मुझे नहीं पता था, मैंने पहली बार ऐसे कुछ चीज़ पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ नीचे लाइट वाइट जलती है वो स्काई में अलग इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है नेचुरल इकोसिस्टम में। तो वहाँ पे एक और भी टॉपिक था, दैट इज़ सर्कैडियन रिदम्स। मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है बॉडी की, जब वो चेंज हो जाती है तो ये सर्कैडियन रिदम्स जो है, सर्कैडियन रिदम्स जो है वो इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वुमेन एम्प्लॉयज़ को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा, और एडिटोरियल सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर पढ़ना होगा। एंड एक आर्टिकल और है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हम लोग अब इस टाइम तो लगभग रोज ही पढ़ रहे हैं इसको, तो देख लेना थोड़ा सा। वैसे उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी बातें हैं सारी है। और ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे मुझे लग रहा है प्रीलिम्स में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, देखो क्या होता है। बट मैं अभी प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि इससे पक्का है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। एंड मैं ये वाला कॉलम भी करती हूँ, मुझे ये वाला कॉलम बहुत ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। क्या आप लोग भी ये वाला कॉलम करते हो? मतलब टाइम तो नहीं रहता बट लेकिन फिर भी मुझे ये ऐसे देखने में अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसको कर लेती हूँ, इसको पढ़ लेती हूँ ऐसे ही। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ INS वागीर स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन, ये वाला कर लेना, बस इतने ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। दैट्स इट फ्रॉम द न्यूज पेपर। And if you guys are watching this video, then like the video. And if you are new to the video, then please do subscribe the video. And hit the like button also. And say, I'm 12:25 and I have completed newspaper analysis and make notes as well from important topic, jo bhi tha. And I have written the question here also, that is from GS3, that what is light pollution, discuss the consequences that it has on the natural ecosystem. And from GS2 also, that is democracy in its present form has got certain but it is still the best form of governance available, comment. So I have written question, everything मैंने अभी कर लिया है। थोड़ा लेट हो गया आज करने में, बिकॉज मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था और उसको ऑन होने में काफ़ी टाइम लग गया, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और या अभी मैंने सब कुछ कर लिया है और अब मैं लूँगी थोड़ा सा ब्रेक, बिकॉज अभी मुझे लंच करना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर आई सी यू गाइज आफ्टर सम टाइम। एंड आई केम बैक, मैंने ये सब ऐसे छोड़ दिया था, तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, तभी नया शुरू करेंगे। तो ये सब बुक है जो कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ी जा रही है, और मैं ये चिप्स ले आई थी, ये चाचा चौधरी चिप्स है, क्योंकि लेज वगैरह यहाँ पे मिलता नहीं, इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल हूँ इस टाइम। एंड अब मैं करूँगी सोशियोलॉजी, मेरा 2 चैप्टर रिमेन रह गया था, तो मैं 1 चैप्टर आज पढ़ के और 1 चैप्टर कल पढ़ के ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद मैं कुछ भी मेंस का नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करूँगी। तो 2 दिन मेरा मोर है, मैं 2 दिन और जो भी करना है करूँगी, उसके बाद मैं ओनली प्रीलिम्स के लिए बस पढ़ूँगी। सो अभी टाइम हो रहे हैं 2:44 एंड आई एम टेकिंग ब्रेक, क्योंकि मेरे बच्चे आ गए हैं और मैं जा रही हूँ पढ़ाने, और उसके बाद फिर अब शाम के सेशन को शाम में स्टार्ट करूँगी। Much later. It's 4:36 of the evening और बच्चे जा चुके हैं, और फर्स्टली आई एम गोइंग टू मेक टी, चाय बना के लेके आते हैं, फिर हम अपना शाम का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट हो गया, 5 बज गए हैं और मैं चाय लेके आ गई हूँ। ओ सो मुझे ये बुक भी करनी थी, अभी करनी है, मैंने स्पेक्ट्रम कर रखी है लेकिन मैंने ये अभी नहीं किया था, ये मुझे किए लगभग 1.5 साल हो गए होंगे, पहले मैंने किया था, तो आज से इसको भी स्टार्ट करेंगे, और रात वाला सारा टाइम इस बुक को दिया जाएगा, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम बचा है। तो करने से पहले मेरा इकोनॉमी ऑफ द वीक रह गया था, मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं सबसे पहले वो करूँगी और उसके बाद से मैं इसको स्टार्ट करूँगी पढ़ना। और सो
सो आई हैव कम्प्लीटेड ऑल दैट टॉपिक एंड मेक नोट्स एज वेल, बिकॉज करेंट अफेयर्स का रहता है तो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो उसमें डिजिटल पेमेंट्स वाला टॉपिक था, न्यू कस्टम रूल्स था, NRI इज अलाउड टू यूज़ UPI, ये सारे टॉपिक थे. मैंने इसको सारा अच्छे से कर लिया है. तो अब मैं लेती हूँ थोड़ी देर का ब्रेक, बिकॉज 6:31 हो रहे हैं. आफ्टर द ब्रेक आई विल स्टार्ट अगेन विद दिस बीस्ट. So I have started from the very first chapter of this book, that is the first major challenge, that is the revolt of 1857. तो इसके सेकेंड पेज पर ही एक मैंसन है चीज़, दैट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट वॉज रानी लक्ष्मी बाई. तो यहाँ से मुझे याद आ रहा है, तो हम लोग जब छोटे थे, मैं फिफ्थ या सिक्स क्लास में, एक पोएम होती थी हिंदी में, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. तो जब भी मैं वो पोएम सुनती थी ना, मतलब मुझे बहुत अंदर से बहुत एकदम अजीब सा फील होता था. मुझे लगता था कि मुझे एक बार झांसी जानी है. और मैं उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो हम लोगों के यहाँ एक झांसी की रानी टीवी में सीरियल टाइप का भी आता था, वो भी देखते थे. तो मुझे बहुत, मेरा अभी तक ये बकेट लिस्ट है कि मुझे झांसी जाना है. और समवेयर मैं झांसी की रानी से खुद को कनेक्ट भी कर पाती हूँ. तो मुझे झांसी जाना है, और कब जाना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झांसी जाऊँगी ज़रूर, और मैं देखूँगी वो जगह. और मुझे इस बात का बहुत प्राउड होता है कि हम एक ऐसी हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वुमेन इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड थी. लाइक झांसी की रानी वॉज अ ट्रू हीरो. मतलब ह्यूज रॉस भी लिखते हैं कि सी वॉज द ओनली हीरो ड्यूरिंग दैट टाइम. तो मुझे ये बहुत ही एनर्जेटिक लगता है पढ़ने में, सुनने में, मतलब बहुत ज़्यादा. As I have promised to myself that I will write the diary, and yeah, I am doing this. So that's it for today. Thank you for watching the video. So okay, that's it for today. आज का टारगेट पूरा हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी. और ऐसा होता भी है, जिस दिन मैं पढ़ी रहती हूँ उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है, और जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती उस दिन मेरे घर में सबकी सहमत होती है, मुझे किसी से बात नहीं करना होता है. अगर मैं बात करती भी हूँ तो मुझे उनको डांट डांट के बात करनी होती है, तो बहुत प्रॉब्लम है. बट आज मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रही होगी. मतलब जब आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं रहा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी बाई लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. Good night, bye bye, see you in the next video.